दोस्तों मैं स्वागत करता हूं दोबारा से आप सभी का लेट्स बिगिन द प्रिपरेशन पे। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो खास तौर से लिटरेरी एजेस से रिलेटेड है। जो भी लिटरेरी एजेस रही हैं उनमें से क्वेश्चन जो बनते हैं आपके एग्जाम में वो ये क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मोनार्क्स डिड चौसर लिव। तो बेसिकली यहाँ पे किस राजतंत्र में किस राजा के दौरान में उनके चौसर का लाइफ जो था वो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो इन्होंने तीन राजाओं के शासनकाल को देखा था। एक तो थे एडवर्ड थर्ड, दूसरे रिचार्ड सेकंड और तीसरे थे हेनरी फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ड थर्ड, रिचार्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। अगला क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग विच सेट्स ऑफ डेट्स डिड चौसर लिव। तो आपने पढ़ा होगा चौसर के सेट डेट के सेट में इन्होंने मतलब इनकी लाइफ जो थी पीरियड कौन सा था बेसिकली। तो यहाँ पे 1340 से 1400 यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसमें करेक्ट हो जाएगा, 1342-1400 जो है चौसर की लाइफ रही थी। अगला क्वेश्चन कहता है द 100 ईयर्स वार बिगेन इन द किस सेंचुरी में 100 ईयर वार शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 14 सेंचुरी में 100 ईयर्स वार की शुरुआत हुई थी। 100 साल का एक युद्ध लड़ा गया था, यानी ये थोड़ा ज़्यादा था 100 साल से, बट इसको 100 ईयर्स वार कहते हैं और ये 14 सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन क्वेस्ट टेक प्लेस। तो किस सेंचुरी में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, घटित हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये इसका 11th सेंचुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें 4 में करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका। ये क्वेश्चन 50 अराउंड होंगे जो आपके वीडियो के एंड होने तक आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आउट ऑफ 50 कितने आप बना पाएंगे ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, और मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके BPSC TRE के लिए साथ साथ आपके बिहार स्टेट की जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें पेपर 1 और 2 दोनों के लिए रिस्पेक्टिवली ये वीडियो काम करेगी। और ये सारे वीडियो आपके मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और इनको आप अच्छे से रिमाइंड करेंगे ताकि इनको आप नोट्स बनाते चलें, जैसे भी आपके बेहतर तरीके से आप इसको याद रख पाएँ। उस वो ज़्यादा डिपेंड करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि आप कैसे किस तरीके से इनको याद रख पाते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन अलग से तो नहीं बनेंगे ना। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एजेस रहे हैं, जो आपके पीरियड्स रहे हैं, जिन ऑथर्स को आपने पढ़ा है उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक डेथ इज़ द नेम गिवन टू। अब ब्लैक डेथ का नाम सुना होगा आपने, ये किसको दिया गया था ये नाम? तो ये एक एपिडेमिक था जो चौसर के लाइफ के दौरान में घटित हुआ था, जिसमें प्लेग से बहुत से लोगों की जान गई थी। तो 5 नंबर में ऑप्शन नंबर बी जो है आपको यहाँ पे देख पाएंगे अब, द एपिडेमिक ऑफ प्लेग दैट ऑक्यूर्ड इन चौसर सेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है द वार ऑफ रोजेज फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ। अब ये सुना होगा आपने वार ऑफ रोजेज का नाम, अब ये किसके वर्क्स में किसके काम में दिखता है? तो विलियम शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में वार ऑफ रोजेज का जिक्र किया हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है द 100 ईयर्स वार वाज फाउट बिटवीन। ये 100 ईयर्स का वार किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपने सुना होगा ये 100 ईयर्स का वार ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये लड़ा गया था। 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है 7 नंबर में वो करेक्ट हो जाएगा। कार्डमन एंड कार्निवल वर 2 फेमस पोएट देवर। तो ये 2 फेमस पोइट्स का नाम आपसे पूछ रहा है जो जॉफरी चौसर के लाइफ के दौरान में थे, कॉन्टेम्प्रेरी थे या फिर सक्सेसर्स थे या चौसर के प्रेडिसर्स थे, ये आपको बताना है। तो इसमें जो चौसर्स के ये प्रेडिसर्स थे यानी कार्डमन और कार्निवल्फ का नाम आपको आएगा, तो चौसर्स प्रेडिसर्स करके आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है द वार ऑफ रोजेज वाज फाउट बिटवीन किन 2 कंट्रीज़ के बीच, किन 2 देशों के बीच में ये लड़ा गया था वार ऑफ रोजेज। तो यहाँ पे आपको किस 2 मतलब फैमिली के बीच में ये लड़ा गया था एक्चुअली। तो 2 फैमिली का नाम आपको याद रखना है, द हाउस ऑफ यॉर्क और दूसरा है आपका द हाउस ऑफ लैनकेस्टर। तो ये वार ऑफ रोजेज जो है ये द हाउस ऑफ यॉर्क और द हाउस ऑफ लैनकेस्टर के बीच में लड़ा गया था। बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे, ये 2 फैमिली को आप याद रखेंगे जिनके बीच में वार ऑफ रोजेज हुआ था। इन विच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ड। किस साल में ग्लोब थिएटर बना था? तो ये 1599 में बना था, 1599 इज़ द ईयर व्हेन ग्लोब थिएटर बिल्ड। तो ये आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वीन एलिजाबेथ एसेंडेंट द थ्रोन इन इंग्लैंड। किस साल में ये इन्होंने एसेंडेड किया था किसको थ्रोन को इंग्लैंड में? तो ये 11th नंबर में ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 1558 ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, इसको आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ में जो कि है जैकोबियन एज पूछता है आपसे कि उसका पीरियड क्या था। तो जैकोबियन एज का पीरियड क्या था ये आप बताएंगे मुझे। तो इसका जो पीरियड था
क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में आप देखेंगे 1603 से लेकर 1625 1603 टू 1625 तो ये पीरियड था जैकोबियन एज का, तो इसको आप याद रखेंगे 12 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कैरोलिन एजेस कवर्स द पीरियड। कैरोलिन एज जो था आपका जैकोबियन तो देख लिया हमने 1603 से 1625, कैरोलिन का पीरियड जो था आपका वो क्या था, तो कैरोलिन का पीरियड मैं बता दूं आपको, ये 1625 से लेके 1625 टू 1649 का जो पीरियड था वो कैरोलिन पीरियड था। जैकोबियन क्या था, जैकोबियन था 1603 टू 1625, कैरोलिन क्या था आपका 1625 टू 1649। अगला क्वेश्चन है आपका द कॉमनवेल्थ रीजन अंडर द क्राउन विल कवर्स द पीरियड ऑफ, हमने दो देख लिए एजेस, जैकोबियन एज देख लिया, कैरोलिन एज देख लिया। तीसरा पॉइंट है आपका कॉमनवेल्थ का, कॉमनवेल्थ का जो पीरियड था उसका पूछ रहा आपसे कि किस शासन में, मतलब कौन सा वो कार्यकाल था जब माना जाता है, तो ये 1649 में कब क्या ख़त्म हुआ था, कैरोलिन पीरियड यहाँ पे ख़त्म हुआ था और 1649 से शुरुआत जो हुई थी वो कॉमनवेल्थ रिजिम की हुई थी शुरुआत, और ये 1660 तक चला था। तो 1603 टू 1625 ये आप याद रखेंगे जैकोबियन, 1625 ख़त्म होता है और शुरुआत होती है कैरोलिन एज की जो कि होता है 1625 में, और ये चलता है 1649 तक, और 1649 ख़त्म होता है कैरोलिन एज में और शुरुआत होती है कॉमनवेल्थ एज की जो कि है 1649 में, और ये कब तक चलता है 1660 तक। तो आई होप यहाँ पे आप पॉइंट्स ये सारे क्लियर हो पा रहे हैं आपको। चार्ल्स सेकेंड जो है आपका वाज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, किस साल में इन्होंने रिस्टोर्ड किया था इंग्लैंड के थ्रोन को, तो 15 नंबर में जो ऑप्शन नंबर आपका ए है 1660, 1660 वाज द ईयर व्हेन चार्ल्स सेकेंड रिस्टोर्ड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, तो 1660 जो है याद रखेंगे। अगला पॉइंट कहता है चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड इन, कौन से साल में इन्होंने एग्जीक्यूट किया था 16 नंबर में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है 1649 यानी 1649 वाज द ईयर व्हेन चार्ल्स वन वाज एग्जीक्यूटेड इन इंग्लैंड, तो ये आप इसको याद रखेंगे। हुज एज इज़ कॉल्ड द जैकोबियन एज, पूछ रहा है आपसे कि किसके काल को, किसके एज को हम जैकोबियन एज कहते हैं, तो यहाँ पे जेम्स और जैकोबियन दोनों की शुरुआत जे से हो रही है, तो इसको आप इस तरह से याद रखेंगे, जैकोबियन एज किसके काल को कहते हैं, किसके एज को कहते हैं, द एज ऑफ जेम्स वन इज़ कॉल्ड जैकोबियन एज। अगला क्वेश्चन कहता है हुज एज इज़ कॉल्ड कैरोलिन एज, तो हमने जैकोबियन में देखा था जेम्स वन फर्स्ट से, और कैरोलिन एज है जो आपकी वो होती है द एज ऑफ चार्ल्स वन से, तो 18 नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर ए अगेन आपका सही हो जाएगा, एज ऑफ चार्ल्स वन जो है कैरोलिन एज एंड एज ऑफ जेम्स वन जो है वो जैकोबिन एज। अगला क्वेश्चन कहता है हु हेड द कॉमनवेल्थ रिजिम अंडर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन, तो आपको बताना है कि किसने हेड किया था इंग्लैंड यहाँ पे कॉमनवेल्थ रिजिम को किसके बाद से, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन, तो यहाँ पे जेम्स वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स वन के बाद से जेम्स वन आए थे। 19th नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्रॉमवेल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स वन के बाद से क्रॉमवेल को आप मानेंगे कि इन्होंने कॉमनवेल्थ रिजिम को एग्जीक्यूट किया था किसके बाद से, चार्ल्स वन के बाद से, तो क्रॉमवेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का, चार्ल्स वन के बाद क्रॉमवेल याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड द लैटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग द प्यूरिटन गवर्नमेंट, तो जॉन मिल्टन को एक पद दिया गया था इनके एक काम के लिए जिसमें इनको पद का नाम था लैटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग द प्यूरिटन गवर्नमेंट, तो जॉन मिल्टन जो थे इनको आप याद रखेंगे, इनको अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है द एज ऑफ रिस्टोरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सो कॉल्ड बिकॉज द फॉलोइंग किंग वाज रिस्टोर्ड टू थ्रॉन, अब रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्जागरण, फिर से उसको जीवित करना, तो इस वजह से रिस्टोरेशन इसको नाम दिया गया था, बट सवाल आपसे यहाँ पे ये कहता है कि किस किंग के दौरान में इन्होंने रिस्टोर किया था थ्रोन को, तो यहाँ पे चार्ल्स वन थे, जेम्स वन थे, चार्ल्स सेकंड थे या जेम्स सेकंड थे, 21 में आपको बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स सेकंड जो थे इन्होंने द एज ऑफ रिस्टोरेशन इज सो कॉल्ड बिकॉज द फॉलोइंग किंग, यानी कौन से किंग, तो चार्ल्स सेकंड जो थे इन्होंने रिस्टोर किया था थ्रोन को। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते चल रहे हैं। द थिएटर्स वर क्लोज ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ रिजिम इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ का जब वो था पीरियड था उस दौरान में थिएटर को बंद कर दिया गया था, बट सवाल ये कहता है इन विच ईयर देवर ओ री ओपेंड, किन साल में इसको दोबारा से खोला गया था, तो यहाँ पे 1660 में इसको दोबारा से खोला गया था, 1660 इज़ द करेक्ट आंसर ईयर।
अगला क्वेश्चन है, द रिस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, हुज मेक्स द ऑब्जर्वेशन। अब ये स्टेटमेंट आपको उठा के दे दिया यहाँ पे और पूछता है कि रिस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, किसने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया है 23 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथ्यू एनरल ने इसको वो किया था, कोट किया था, द रिस्टोरेशन मार्क्स द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। अगला क्वेश्चन है, द टर्म अगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू अ स्कूल ऑफ पोएट्स बाई। तो अगस्टन जो आपका टर्म था वो अप्लाई किया गया था एक स्कूल ऑफ पोएट्स जो थे, उनका नाम आपसे पूछ रहा है 24 में। तो ये डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन का नाम आप याद रखेंगे। द टर्म अगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाई टू अ स्कूल ऑफ पोएट्स बाई डॉक्टर जॉनसन। 25 में ये कहता है, द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ अल्सो कॉल्ड। तो 18वीं सदी का इंग्लिश लिटरेचर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको द एज ऑफ रीज़न के नाम से भी जाना जाता है। तो आप 25th का ऑप्शन नंबर बी है जो है द एज ऑफ रीज़न, इसको याद रखेंगे किस तौर पे, द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ अल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रीज़न। अगला क्वेश्चन है 26 में, जो ये कहता है, हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी। यहाँ पे अगेन आपका एक स्टेटमेंट है, आवर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी। ये किसने कहा था, आवर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी। तो ये आपका किसने कहा था, ये मैथ्यू एनरल ने कहा था 26 में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। दो स्टेटमेंट मैथ्यू एनरल ने कहा था, पहला क्या था, उन्होंने कहा था आवर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी। अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको मिलता है तो मैथ्यू एनरल को याद रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको मिलेगा, द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न, ये किसने कहा था, तो इसमें भी हम मैथ्यू एनरल को याद रखेंगे। 27 में भी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 में देखना है आपको, द एपिथेट अगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाई टू ड्राइडन बाई। एक एपिथेट था अगस्टन जिसका नाम था, और पहली बार इसको किसने ड्राइडन अप्लाई किया था और किसके द्वारा किया गया था ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें डॉक्टर, जस्ट मिनट, 28 में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर जॉनसन ने इसको क्या किया था, अप्लाइड किया था ड्राइडन ने, बट बाय डॉक्टर जॉनसन इसको करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा। द एपिथेट अगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाई टू ड्राइडन, ड्राइडन के लिए, और किसने किया था, डॉक्टर जॉनसन ने किया था। न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मॉडल ऑफ। तो आपका न्यू क्लासिकल एज था इंग्लिश लिटरेचर में, वो किस तरह के मॉडल को वो फॉलो करता था। तो इसमें 29 में ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा है, यानी ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, इस मॉडल को फॉलो किया था किसने, न्यू क्लासिकल एज ने। अगला क्वेश्चन है, द कॉफ़ी हाउस कल्चर फ्लरिश्ड इन, किसके दौरान में, किसके एज के दौरान में ये फ्लरिश हुआ था कॉफ़ी हाउस कल्चर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें, द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मोमेंट। 1798 को रोमांटिक मोमेंट की शुरुआत के साल के तौर पे क्यों माना जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इट वाज द ईयर इन विच वर्ड्सवर्थ्स लिरिकल बैलेड्स वार पब्लिश्ड। तो इसमें इसको 1798 को रोमांटिक मोमेंट की शुरुआत के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि 1798 में ही पहली बार में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश कराया गया था। 32 में देखिए क्या कहता है, द यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रील्ड विथ जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बोर्न अगेन। विच टाइम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू इन दिस लाइन। इसमें द एज ऑफ रेनेसांस या द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एजेस, द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द पीरियड ऑफ डिस्कवरीज ऑफ न्यू लैंड्स। इसमें 32 में आपका कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 32 में द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो इस लाइन के साथ में फिट बैठता है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने रेफर की है, द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगेन आपके स्टेटमेंट दे दिए गए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के एक वर्क से, और पूछता है कौन सा वर्क है, ब्लीस वाज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हैवन, दीज लाइन्स ऑक्योर इन वर्ड्सवर्थ। तो ये द प्रीलूड की लाइन है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका 33 में वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कहता है हु वॉज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ इंग्लैंड, फादर ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रेंच रिवॉल्यूशन किसको कहा गया है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इंपॉर्टेंट फादर और आपके फाउंडर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप ऐसे देखेंगे तो मोर देन 100 ऐसे फादर्स और फाउंडर हैं, बट उसमें से सिलेक्टेड मैंने 3-4 पेजेस के बना करके उसके PDF को मैंने आपके सामने वीडियो बनाया था, और वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेंगे आप। फादर और फाउंडर से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आपके, उससे बाहर नहीं आएंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, हु वॉज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, किसको कहा गया है इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑप्शन है आपके सामने रिसीव, हैगल, फ्रेडरिक और नेपोलियन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, रिसीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 में देखिए, आफ्टर होम डिड वर्डसवर्थ बिकेम द पोएट लॉरियट इन इंग्लैंड। पोएट लॉरियट आपने पढ़ा होगा टर्म, तो पूछता है कि विलियम वर्डसवर्थ किसके बाद बने थे पोएट लॉरियट इंग्लैंड में। तो इसमें आपके ऑप्शन है कॉलरिज, वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट साउदी और ड्राइडन। तो यहाँ पर आपका रॉबर्ट साउदी जो है 35 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके बाद बने थे, रॉबर्ट साउदी के बाद बने थे। कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। आफ्टर होम रिफ्यूजल द पोएट लॉरियटशिप वॉज कन्फर्ड टू रॉबर्ट साउदी। किसने इनकार किया था जिसके बाद से पोएट लॉरियटशिप जो थी वो रॉबर्ट साउदी को दी गई थी, उनको कन्फर्ड की गई थी। तो इसमें वाल्टर स्कॉट का नाम आएगा 36 में, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, किसने, वाल्टर स्कॉट ने। उसके बाद पोएट लॉरियट बने थे कौन से, रॉबर्ट साउदी। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई इज़ द ईयर 1837 टेकन एज द क्लोजिंग ईयर ऑफ द रोमांटिक पीरियड एंड बिगनिंग ऑफ द विक्टोरियन एजेस। तो यहाँ पे 1837 के बारे में पूछ रहा है, 1837 को क्यों माना जाता है क्लोजिंग ईयर किसका, रोमांटिक पीरियड का, और बिगनिंग ईयर यानी शुरुआत का साल किसका, विक्टोरियन एजेस का। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज क्वीन विक्टोरिया सक्सेसेड टू द थ्रोन इन दिस ईयर। तो क्वीन विक्टोरिया ने इस साल में यानी 1837 में सक्सीड किया था इंग्लैंड में थ्रोन को, जिसकी वजह से ब्रिटेन में ये आपका माना जाता है कि क्लोजिंग ईयर ऑफ रोमांटिक पीरियड एंड बिगनिंग द विक्टोरियन एज। 38 में देखिए, क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू थ्रोन आफ्टर, किसके बाद में इनको थ्रोन मिला था क्वीन विक्टोरिया को। तो इसमें जो है विलियम फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38 में ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रीन वॉज सेलिब्रेटेड, मतलब क्वीन विक्टोरिया के रेन में गोल्डन जुबली किस साल में सेलिब्रेट किया गया था। तो 1837, 1887, 1862 एंड 1901, इसमें कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 39 में ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 1887 वाज द ईयर व्हेन द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियंस रेन वाज सेलिब्रेटेड इन। अगला क्वेश्चन है क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन, तो महारानी विक्टोरिया को भारत में एम्प्रेस ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, कब बनी थी वो। तो 1876 वो साल था जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड में इम्प्रेस बनी थी। 40 नंबर तक हमने देख लिए क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और इसमें बचते हैं, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट आपके एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब बताइए, चार्ल्स डार्विन की आपने बुक का नाम सुना होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन किस चीज़ को चैलेंज करती है। ऑप्शन आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बिब्लिकल कंसेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इसको चैलेंज करती है क्या डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है टेनिसन वाज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट आफ्टर, किसके बाद बने थे अल्फ्रेड टेनिसन पोएट लॉरिएट। तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 में द डिनाट्स इज़ एन एपिक ड्रामा रिटन बाय हार्डी इट डील्स विथ, तो आपसे पूछ रहे थॉमस हार्डी ने एक ड्रामा लिखा था, एपिक ड्रामा, जिसका नाम था द डिनास्ट, और इस ये किस तरह से डील करता है, बेसिकली इसकी थीम क्या है, किसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे 43 में ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो इसमें करेक्ट हो जाएगा, द नेपोलियनिक वॉर्स के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, किसने, थॉमस हार्डी के ड्रामा में जो एपिक ड्रामा था जिसका नाम था द डिनास्ट, और इसमें इन्होंने इट डील्स विद द नेपोलियनिक वॉर्स। अगला क्वेश्चन है द डिकेंस इन चार्ल्स डिकेंस अ टेल्स ऑफ टू सिटीज़, चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी अ टेल ऑफ टू सिटीज़, यह जानते हैं आप, बट सवाल ये कहता है
कि वो दो शहरों का नाम किया था, द टू सिटीज़ रेफर्ड आर टू। तो इसमें लंदन और पेरिस, ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको 44 में, वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द टेनिसन्स एडिलेस ऑफ द किंग इज। तो अल्फ्रेड टेनिसन ने एक लिखा था, वर्क था इनका एडिलेस ऑफ द किंग, उसमें किंग के बारे में आपसे पूछ रहा है कौन थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, हेलन एंड द ग्रीक किंग्स, रोमन एम्पायर्स एंड देयर विक्ट्रीज, एंड किंग्स ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड। तो इसमें 45 में ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। 46 में देखिएगा यहाँ पे, हु सक्सीडेड रॉबर्ट ब्रिज इज एज द पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड। तो अब यह पूछ रहा है कि रॉबर्ट ब्रिज को किसने सक्सीड किया था इंग्लैंड में, पोएट लॉरिएट जो बने थे। ऑप्शन है आपके सामने, जॉन मेजरफील्ड, डब्ल्यू बी येट्स, रुडयार्ड किपलिंग एंड आपका रूपर्ट ब्रूक। तो ऑप्शन नंबर 46 में ए जो है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जॉन मेजरफील्ड ने सक्सीड किया था रॉबर्ट ब्रिज को पोएट लॉरिएट के तौर पे इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है 47, जो कि एक स्टेटमेंट है, ओ ईस्ट इज ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्रेन कैन मीट, हु होल्ड्स दिस व्यू। किसने ये लाइन कही है ये आपको बताना है। तो इसमें रुडयार्ड किपलिंग 47 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने ये लाइन कही है। इन विच ईयर वाज बर्नार्ड शॉ अवार्डेड द नोबेल प्राइज़, किस साल में जी बी शॉ को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये आपसे सवाल कहता है। तो इसमें 1925 वो साल था जब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, किसको, जो जी बी शॉ को। अगला क्वेश्चन है, ई एम फॉस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया डील्स विथ, ई एम फॉस्टर ने लिखी थी अ पैसेज टू इंडिया, और ये इसकी थीम क्या थी, किस बारे में बात करती है। तो इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, यानी भारतीय के बीच में और जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच का रिलेशन जो संबंध था, उसके बारे में जिक्र करती है ई एम फॉस्टर की अ पैसेज टू इंडिया। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, हु वाज बिलीव टू बी ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एग्नोलिकलिस्ट इन रिलीजन, ये किसके बारे में लाइन कही गई है। तो 50 नंबर में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टी एस एलियट के बारे में ये लाइन कही गई है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं 50 क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिटरेरी एज से रिलेटेड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि इसके बाद के जो लिटरेरी स्कूल्स और मोमेंट हैं और उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी हो सकते हैं उसको मैं कवर करूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें।